बिहार आम आदमी पार्टी की तरफ से यूपी चुनाव में दाव आजमाने वाले प्रत्याशियों की दूसरी सूची को जारी किया गया है। आप कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई और यूपी आप प्रभारी संजय सिंह ने दूसरी सूची को आज जारी किया। वहीं सूची जारी करने के बाद प्राइम टीवी संवाददाता ने संजय सिंह से खास बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जोरों पर है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब है असली चुनाव वोटिंग का। लेकिन उसके पहले जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो भी लगातार चल रही है। आम आदमी पार्टी, जिसे अब तक सब कह रहे थे कि उनका संगठन काफी कमजोर है, अब तक सबसे ज्यादा 203 प्रत्याशियों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। और इसको देखते हुए हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह जी हैं। सर, सबसे ज्यादा प्रत्याशी आप लोगों की तरफ से जारी किए गए हैं, हाँ, लेकिन एक जो सबसे बड़ी होड़ इसमें मची हुई है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्राइम से जुड़े हुए हैं, ऐसे नामों की लिस्ट उनकी तरफ से जारी की गई है। बीजेपी की तरफ से कई सारे जो मौजूदा विधायक हैं, जो रिपोर्ट कहती है उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो प्रत्याशी जारी किए जा रहे हैं उनकी क्या तैयारियाँ हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है? देखिए, मैंने तो आपसे पिछले जब दो तीनों सूची जो हमने जारी की, हमने बताया कितने हमने MBA, कितने हमने पोस्ट ग्रेजुएट, कितने PhD, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, पूर्व IAS को आज हमने टिकट दिया। तो अच्छे पढ़े लिखे सुयोग्य उम्मीदवारों को हम लोग मैदान में उतार रहे हैं। और अगर ऐसे उम्मीदवार जो समाज के लिए कुछ योजनाएं बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, कुछ सोच समझ के साथ काम कर सकते हैं, उनको मैदान में हम उतार रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी जनता की भी है कि वो अपना आशीर्वाद दे। और ठीक कहा आपने, जो हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अब तक आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है। हमने 1.5-2 वर्षों में यहाँ पे घास नहीं छीला, इस सरकार से जमकर लड़ाई लड़ी, मुकदमे लिखाए, जेल भी गए और संगठन भी तैयार किया। 40 लाख वोट हमें जिला पंचायत के चुनाव में मिला था, 83 हमारी जिला पंचायत की सीटें जीत के हम लोग आए थे। तो हम अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी ने अब तक सबसे अधिक सीटों की घोषणा की है। बीजेपी की प्लानिंग और बीजेपी की तैयारी सबसे ज्यादा पुख्ता है, ऐसे उनका नेता कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा सीट इस बार फिर जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, कोई भी हमारी टक्कर में नहीं। जितने भी दलों की सूची है, आखिर विधानसभा में कुछ चेहरे ही पहुंचेंगे ना, 403 चेहरे, उनको कंपेयर कर लिया जाए, जिसके सबसे अच्छे प्रत्याशी हो उनको जनता वोट दे। मैं तो कह रहा हूँ ओपन डिबेट कराइए हर विधानसभा में, जिसके पास अच्छे कैंडिडेट हो क्वालिफाइंग स्पीच कराइए, जिसके अच्छे कैंडिडेट हो उनको जनता वोट दे, खुले मंच पे कराइए, सोशल मीडिया पे कराइए, फेसबुक पे कराइए, जैसे हो सकता है कराइए, आप TV चैनल्स के अंदर कराइए। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि राजनीति सड़ी गली है और यहाँ की व्यवस्था से हम परेशान हैं, तो हमने उनको अच्छे उम्मीदवार का विकल्प दिया है, आप उनको चुनिए और विधानसभा में भेजिए, वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस ने अब से थोड़ी देर पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उत्तर प्रदेश के लिए, आप लोग के मैनिफेस्टो में क्या बेहतर होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो युवाओं के लिए है, युवाओं की बेहतरी के लिए है, आप लोग ने क्या माइंडसेट? हमारा मैनिफेस्टो सबके लिए है, उसमें युवाओं के लिए भी है, माताओं बहनों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, सबके लिए है हमारा मैनिफेस्टो। एक कॉमन सवाल सर ये है कि बीजेपी के आप लोग बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने तो दाम आधा कर दिया, जो हम कर दिए वो कोई नहीं कर सकता, ये मुफ्त कहां से कर देंगे? देखो, ऐसा है कि उन्होंने अभी तक दाम आधा करने का कोई आदेश भी पारित नहीं किया। दूसरी चीज क्या है कि 4 साल 11 महीने आप उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसते रहे और जब चुनाव आ गया तो 1 महीने के लिए आपने कहा कि हमने दाम आधा कर दिया। आम आदमी पार्टी पर जनता को भरोसा क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, BSP हो, ये सारी पार्टियां सत्ता में रही हैं और इन्होंने 1 यूनिट बिजली भी मुफ्त नहीं की और हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त, इलाज मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त। तो आज हमारे ऊपर आरोप क्या लगता है? आरोप ये नहीं लगता कि हमने कोई भ्रष्टाचार और चोरी की है और गड़बड़ी की है, हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि जनता को हम मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है हमारी पार्टी के लिए। आपको ये भी हिंदुस्तान के एकमात्र पार्टी हम हैं जो हम जनता को सुविधाएं देने के लिए गालियां खा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की। आप ये मानते हैं कि हम ही पूरा कर सकते हैं ये बिजली वाली, ये बिजली ना कांग्रेस ना सपा ना बसपा, कोई पार्टी इस वादे को पूरा नहीं कर सकती, फ्री बिजली हम ही पूरा कर सकते। ये बिजली वाला जो वादा था सबसे पहले आप लोगों की तरफ से किया गया था और ये आधे दाम उसके बाद बीजेपी ने किया, तो आपको लगता है कि आप लोगों का काउंटर उन लोगों ने ढूंढा है? ये आम आदमी पार्टी की दखल का नतीजा है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई है।
और इसी के कारण से आज दूसरी पार्टियों को भी मजबूर होकर बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करना पड़ रहा है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संजय सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम है और लगातार हमारा प्रयास ये है कि बेहतर कैंडिडेट्स को चुना जाए, क्योंकि अगर बेहतर कैंडिडेट्स जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास बेहतर हो सकेगा, जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनका विकास हो पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।